ठाकुर जी को अलग आदेश, माँ भगवती काली को अलग आदेश, रांझी वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। मैं गुरुदेव रुद्रनाथ जी का छोटा सा शिष्य सौम्यनाथ आज आपसे जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वह है कुंडलनी शक्ति। कुंडलनी शक्ति के बारे में हमारे वैदिक ग्रंथों में काफ़ी स्पष्टता से बताया गया है, जो कि काफ़ी पौराणिक भी हैं। और कुंडलनी शक्ति के बारे में लगभग हमारे सभी शास्त्रों व ग्रंथों में भी काफ़ी कुछ वर्णित हैं, जो कि लगभग 5000 साल तक पुराने हैं। जैसे कि सौंदर्य लहरी, ललिता सहस्त्रनाम, पंचस्तनी, योग कुंडलनी, उपनिषद, तंत्र वर्णा तंत्र, लघु स्तुति, वामकेश्वर तंत्र, क्रिया योग, योग शिक्षोपनिषद और हठ योगा परिदीपिका। जबकि कुंडलनी के बारे में हम और धर्मों के धर्म ग्रंथों में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि तिब्बतियन, इजिप्शियन, चाइनीज, ग्रीस, मैक्सिकन, साउथ अमेरिकन, सुमेरियन, यूरोपियन। जैसे कि 16वीं शताब्दी के एक जर्मन रिसर्चर जॉन जॉर्ज ग्रिस्थल ने अपनी पुस्तक थियोसॉफिकल प्रैक्टिका में भी सप्त चक्र और कुंडलनी के बारे में स्पष्टता से बताया है। इसी प्रकार से इस्लाम में भी प्रिंस मोहम्मद और तारा शिको ने रसाले हकनुम में भी तीन कमल के फूलों के बारे में बताया है, जो कि हमारे शरीर में है और जिसे उन्होंने दिले मुतवर, दिले सनोबिरी और दिले नियोफर कहा है। जिस प्रकार से यजुर्वेद में भी कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ भी इस संसार में है वो इस शरीर में है और जो कुछ भी इस शरीर में है वो इस संसार में है। इसी प्रकार से 1619 में इंग्लैंड के एक रिसर्चर रॉबर्ट फ्लूड ने भी अपनी रिसर्च में डायग्रामेटिकली डेमोन्स्ट्रेट किया था कि ब्रह्मांड और मनुष्य आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जिसे उन्होंने मनुष्य के चारों तरफ 7 चक्कर बनाकर दर्शाया था। और अपनी फिलॉसफी में यह भी कहकर बताया था कि व्हाट इज प्रेजेंट इज मैक्रोकॉस्म इज प्रेजेंट इन माइक्रोकॉस्म एंड मैन इज एपिटोम टू यूनिवर्स। इसे एंशियंट और मॉडर्न फिलॉसफर्स ने भी अपनी फिलॉसफी में यही बताया है, जैसे पाइथागोरस, प्लाटो, लियोनार्डो द विंची। और इसी प्रकार से दो पहलू ये भी हैं कि परम तत्व या परम शक्ति निराकार है या साकार, दिख सकती है या दृश्य है, वह शक्ति धारक है या स्वयं में शक्ति है, सकारात्मक है या नकारात्मक, निर्गुण है या सगुण है, परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील है। सांख्य फिलॉसफी में भी इसे पुरुष और प्रकृति कहा गया है। चाइनीज बुद्धिस्ट और तिब्बतन बुद्धिज्म में भी इसे यिंग यांग कहते हैं। हिंदू सभ्यता में इसे बहुत ही सुंदरता से वर्णित किया गया है, जो कि भगवान शिव के अर्ध नारेश्वर स्वरूप से में बताया गया है, जिसे जिसमें शिव स्थिर हैं वहीं भगवती शक्ति गतिशील है। दे आर लाइक पोइज स्टैटिक एंड पोइज डायनामिक। इसी प्रकार से यह भी कहा गया है कि कोई भी शक्ति धारक शक्ति के बिना पूर्ण है और शक्ति शक्ति धारक के बिना। इसी प्रकार से कुंडलनी स्त्री शक्ति को दर्शाती है, वही सहस्रार चक्र में शिव चेतना को दर्शाया गया है। कुंडलनी का स्थान मूलाधार चक्र में होता है, जहां डबल वन सर्व शिवलिंग को 3.5 कुंडलनी मारे बैठे हैं और मूलाधार हमारे बैकबोन के अंतिम छोर पर, टिप ऑफ द टेल बोन पर है। और यह ही भगवती कुंडलनी या माँ भगवती शक्ति या माँ भैरवी का स्थान है। इसे तो हमारे शरीर ऐसे तो हमारे शरीर में 72 लाख नाड़ियाँ हैं, परंतु 3 सबसे मेजर हैं और यही 3 कुंडलनी शक्ति के मार्ग हैं। कुंडलनी शक्ति का मार्ग सुषुम्ना मार्ग है, यहीं से ही कुंडलनी शक्ति ऊपर के स्थान ऊपर की तरफ को जाती है, जिनके साथ ही ईड़ा और पिंगला भी ऊपर के स्थान को जाती हैं। जहाँ जहाँ ईड़ा और पिंगला इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ वहाँ पर ही हमारे चक्र फॉर्म होते हैं।
अब जब शक्ति मूलाधार से ऊपर की तरफ को अग्रसर होती है तो सुषुम्ना मार्ग में हमारे संचित कर्म समाए हैं, जो कि इस जन्म के भी हैं और पिछले जन्म के भी। जहाँ नीचे की तरफ हमारे तमोगुण संस्कार या कर्म हैं, वहीं मध्यम में रजोगुण संस्कार और ऊपर की तरफ सतोगुण संस्कार। इन्हीं कर्मों को हम अपने चक्रों में, ग्रंथियों में भी कह सकते हैं, जो कि नीचे की तरफ विष्णु ब्रह्म ग्रंथि, मध्यम में विष्णु ग्रंथि और सब ऊपर की तरफ रुद्र ग्रंथि है। और यह ही संस्कार हैं या कर्म हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में भोगना भी पड़ता है, और मुश्किल या फिर परेशानी की वजह भी यही संस्कार होते हैं। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक शरीर ना होके अलग अलग शरीर हमारे शरीर के चारों तरफ हैं, जैसे कि फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर या अन्नमय कोश, एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर, कॉजल बॉडी कारण शरीर, और अनंत शरीर जिसे हम जो लास्ट शरीर है अनंत शरीर या फिर नाद शरीर। अब जो हमारा फिजिकल बॉडी है वो पांच तत्वों से बना है, जिसे आप सभी जानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसी प्रकार से हमारा सूक्ष्म शरीर सप्त तत्वों से 17 तत्वों से बना है, जिसमें पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कारण इंद्रियां, पांच तन्मात्राएं, एक मन और बुद्धि है। इसी प्रकार से कारण शरीर भी 17 तत्वों से बना है, और अनंत शरीर नाद शरीर है जिसे हम साउंड भी कह सकते हैं। और कारण शरीर में ही हमारे संस्कार और कर्मास भी होते हैं, जो कि कारण से पहले एस्ट्रल बॉडी में आते हैं और एस्ट्रल बॉडी के बाद हमारे फिजिकल बॉडी में। हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर किस प्रकार का होगा, उसका कारण भी कारण शरीर ही होता है। यही वामकेश्वर तंत्र में भी कहा गया है कि मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में सब चक्र होते हैं, ना कि स्थूल शरीर में। पर ऐसा अलग अलग धारणाएं हैं, कई स्थूल शरीर में इसे बताते हैं, कई सूक्ष्म शरीर में। कुंडलनी शुरू होती तो है मूलाधार पर, मूलाधार से और खत्म होती है शस्त्रार पर, जो कि सुषुम्ना मार्ग से है। परंतु ईड़ और पिंगला मूलाधार से शुरू होती हैं, परंतु नासिका तक ही जाती हैं, और इनकी शक्ति हमारे अजना चक्र तक ही जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सुषुम्ना मार्ग की, जो 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 कि सुषुम्ना नाड़ी है, जिसमें 7 चक्र आते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा या अजना या सहस्त्रार। इसी प्रकार से यह भी कहा गया है कि मूलाधार चक्र एक इलेक्ट्रिक मीटर की तरह है, जो कि शरीर में ऊर्जा या शक्ति को उसकी ज़रूरत के हिसाब से पूरे शरीर में सप्लाई करता है, और कुंडलनी ही वो शक्ति है जो मूलाधार में है। कुंडलनी शक्ति हमारे सांसों की गिनती, धमनी, दिल की धड़कन को कंट्रोल रखती है, और जब हमारे अलॉटेड सांस या प्राण खत्म हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी समाप्त हो जाती है। कुंडलनी शक्ति ही हमारे स्टोर्ड कर्मास को कार्मिक इवेंट्स में कन्वर्ट करती है। जिसी प्रकार से जितने हमारे पिछले जन्म के या इस जन्म के कर्म हैं, उसी के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त होता है। मूलाधार में ही कुंडलनी को युक्ता त्रिवेणी की तरह कहा गया है, जो कि सुषुम्ना मार्ग से होकर हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी के बीच से होते हुए 5 चक्रों को पार करके शस्त्रार में शिव चेतना से मिलती है, और इनका रूप बहुत ही क्रोधित, गर्म और रंग लाल होता है। वहीं ईड़ा और पिंगला भी मूलाधार से शुरू होती हैं, पर सिर्फ अजना चक्र तक ही जाती हैं, और सुषुम्ना नाड़ी के साथ ही रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ घूमते हुए चक्रों को पार करते हुए नासिका पर समाप्त हो जाती है, जिसे मुक्ता त्रिवेणी कहते हैं। पर पंचेश्वर तंत्र के मुताबिक ईड़ा और पिंगला हाथ से छोड़े तीर के समान है। वही पिंगला महित्रा, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, जो कि रंग में लाल और शरीर में गर्मी उत्सर्जित करती हैं, प्रकृति रूप से वह पुरुष हैं, जिसे रुदनात्मिका भी कहा गया है, और जो ये हमारी दाई नासिका पर समाप्त होती हैं।
वहीं ईड़ा जो कि हमारी बाई नासिका पर समाप्त होती है, इसे ललना और शशि भी कहा जाता है। यह चंद्र नाड़ी है जो कि रंग में पीली और शरीर में ठंडक को नियंत्रित और उत्सर्जित करते हैं, और प्राकृतिक रूप में भी यह स्त्री और जिसे शक्ति रूपा भी कहा गया है। कुंडलनी को जगाने पर शरीर में स्पंदन होता है और उसी स्पंदन से ध्वनि बनती है जिसे नाद भी कहा जाता है। नाद से एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और महामृदु पर नाद के से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ओम कहा गया है, जिसे शब्द ब्रह्मा भी कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी सभी चक्रों के अलग अलग मंत्र, रंग, रूप, देवता और लोक हैं। जिस प्रकार से देवनागरी लिपि में 32 बीज अक्षर हैं और 16 वर्ण अक्षर, वैसे ही हमारे शरीर में भी रीढ़ की हड्डी में 32 मन के हैं, जिसे आज की साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसमें 33 वर्टिब्राज हैं और लास्ट जो है वो टिप ऑफ द टेल बोन है जो कि मूलाधार है जहाँ पर कुंडलनी का स्थान है। इसके अलावा जो 32 वर्टिब्राज हैं उनमें 32 बीज अक्षर और चक्रों में भी 32 बीज मंत्र हैं, और 32 ही हमारे अनाज चक्र तक के चक्र पुष्पों की पंखुड़ियाँ हैं, जैसे मूलाधार में 4, स्वादिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12 और विशुद्धि में 16 वर्णाक्षर हैं। इसी प्रकार से हमारा पूरा शरीर ही मंत्र में है, और कुंडलनी को जगाने के सभी धर्म और संप्रदायों में भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि हठ योग में प्राणायाम, आसन आसन और मुद्रा का उपयोग किया जाता है, राजयोग पर स्वयं पर ध्यान, आत्मचिंतन और अपने इष्ट की श्रद्धा से भक्ति और समर्पण, जैनिज्म में आत्मनिर्यातन अपने शरीर को त्यागने और अपनी विल पावर पर कंट्रोल, तंत्र में अलग अलग तंत्रिक पद्धतियाँ और सिद्ध मंत्रों का उपयोग किया जाता है, और कभी काफ़ी कम केसेस में देखा गया है जहाँ गुरु कृपा से भी कुंडलनी जागृत की जाती है, जिसमें गुरु अपने योग्य शिष्य में कुंडलनी को सिर्फ उसकी शक्ति अनुसार जागृत करते हैं। कुछ केसेस में तो लोग जड़ी बूटियाँ, ड्रग्स का भी उपयोग करते हैं जिसे वो कुंडलनी जागरण में उपयोग करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि चाइना में कुछ योगी या मंक्स कह लें या ध्यान केंद्रों में जड़ी बूटियों और केसर का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट करके कुंडलनी जागृत की जाती है। जब कुंडलनी ऊपर की तरफ अग्रसर होती है और चक्र जागृत होते हैं तो व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियाँ और सुपरनेचुरल पावर्स ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, और वह अपने आप ही उसके शरीर में जागृत होती जाती हैं। जब कुंडलनी परम शिवा से शस्त्रार में मिलती हैं तो योगी को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, जिसे आत्म साक्षात्कार या परमहंस कहना या अवधूत भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार से जो फल अपने आप पेड़ पर पक कर टूटता है वह उतना ही मीठा और स्वादिष्ट होता है, और जो फल कच्चा ही पेड़ से तोड़ लिया जाता है ना वो स्वाद में अच्छा होता है और कच्चा ही रहता है। उसी प्रकार से कुंडलनी को फोर्स से अवेक करने पर व्यक्ति को मेंटल इम्बैलेंस हो सकता है, जिसमें उसका फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स भी उसके शरीर में आ सकती हैं। कुंडलनी जागरण के 4 पाथ कहे गए हैं। एक है सामने की तरफ से, जिसमें मूलाधार से शस्त्रार तक अजना चक्र के द्वारा किया जाता है। दूसरा पिछली इस तरफ से, जो कि मूलाधार से शस्त्रार तक रीढ़ की हड्डी, सुषुम्ना नाड़ी और ईड़ा पिंगला के द्वारा किया जाता है, जो कि काफ़ी लंबा है और श्री शंकराचार्य ने भी इसी मार्ग को अपनाया था। तीसरा है अनाहा चक्र और चौथा है अजना चक्र पर ध्यान करने से। और जब कुंडलनी शस्त्रार को अग्रसर होती है तो वह मूलाधार को शून्य ही नहीं कर देती पर वहाँ स्थिर ऊर्जा रहने देती है, और व्यक्ति परमानंद स्थिति को प्राप्त करता है जब कुंडलनी शस्त्रार में शिव चेतना से मिलती है।
इसी प्रकार से पीनियल ग्लैंड जो कि हमारे दिमाग में एक मटर के दाने के बराबर है, जो कि हमारे पूरे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है और हार्मोन्स का सिक्रीशन भी इसी के द्वारा हमारे शरीर में होता है। हमारे चक्कर भी इन्हीं ग्लैंड्स में स्थित हैं, जैसे कि मूलाधार हमारे सेक्स ग्लैंड्स में, स्वादिष्ठान हमारे सुपरनेनल ग्लैंड में, मणिपुर हमारे पैनक्रियास में, अनाहत हमारे थायलमस में, विशुद्धि हमारे थायराइड में, अजना हमारे पीनियल में, और शस्तार जो है वो हमारे दिमाग में ऊपर की तरफ को है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे शरीर से बाहर है। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि कुंभ में डुबकी लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी कुंभ हम अपने कपाल को कह सकते हैं, जिसमें पीनियन ग्लैंड जिस केमिकल को सिक्रीट करता है उससे हमारे शरीर में वैल्यूम इफेक्ट क्रिएट होता है, और यह मूलाधार से कनेक्टेड है, जिसे हम अमृत भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से एक अलग सा ही नशा शरीर में होता है, जो ध्यान की स्थिति में समाधि में भी पाया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि वाराणसी में प्राण त्यागने से व्यक्ति को शिवधाम या परमलोक की प्राप्ति होती है। तो वाराणसी हम यह भी कह सकते हैं कि नासिका जो है उसको पार करना, तो नासिका में हमारी ईड़ और पिंगला समाप्त होती हैं, सुषुम्ना शस्त्रार में जाके समाप्त होती हैं, परंतु जब हम वाराणसी कहते हैं तो नासिका को पार करने पे हमारी कॉन्शियस अजना चक्र पर या आज्ञा चक्र पर होती है। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि जिस समय जिस व्यक्ति ने शरीर त्यागते समय जैसे उसकी कॉन्शियस का लेवल था वैसा ही उसे लोक या डायमेंशन प्राप्त होगा। अतः आज का इस विषय को मैं यहीं विराम देता हूँ, और आप सभी को आदेश आदेश, श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश।